सोलन में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के स्वागत में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा सोलन मंडल से आए सैकड़ों कार्यकर्ता और करीबन 150 संस्थाओं ने राजीव बिंदल का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला और पुष्प गुच्छों से अभिनंदन किया। बिंदल अपने सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम से गदगद दिखे। वहीं अधिक भीड़ का फायदा उठाकर पॉकेट मारों ने एक मोबाइल और 11,000 की नकदी पर भी हाथ साफ किया। विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि सोलन से उनका पुराना नाता है और आज करीबन 150 संस्थाओं ने जो प्रेम और स्नेह उन्हें दिया है उसके लिए वो उनके सदा ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विधायकों और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है जिसे वो बखूबी निभाएंगे। सोलन विधानसभा क्षेत्र सोलन जिला के और सोलन शहर की लगभग 150 संस्थाओं ने, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने, पंचायती राज के संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने मिलकर के मुझे अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और ये मेरे लिए गौरव की बात है। ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह बहुत कम लोगों को नसीब होता है। पुनः पुनः सोलन वासियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के सभी विधायकों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिल करके हमें अध्यक्ष पद पर आसीन किया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।